सभी लोगों का स्पोर्ट्स नेस्ट के इस खास पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन वाली वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी श्रद्धा पांडे। आईपीएल साल 2023 का मुकाबला नंबर 28 दिल्ली कैपिटल्स बनाम केकेआर के बीच में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में चल रहा था, जो कि अब खत्म हो चुका है। फाइनली दिल्ली कैपिटल्स को लगातार 5 बार हार मिलने के बाद एक जीत का स्वाद उन्होंने चखा। डेविड वार्नर डेफिनेटली बहुत ज्यादा खुश नजर आए। दिल्ली ने मुकाबला 4 विकेटों से जीत लिया। लेकिन मैच के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में केकेआर की तरफ से नीतीश राणा, उनके कप्तान आए, उन्होंने बहुत सारी चीजों पर बात करी और उन्होंने अपनी गलती मानी। क्या है वो गलती, सब चीजें आपको बताएंगे इस वीडियो में। सबसे पहले देखिए, नीतीश राणा ने कहा कि हम लोग 15 या 20 रन शॉर्ट रह गए थे, क्योंकि आप जानते हैं 128 का, बस 128 का टारगेट उन्होंने दिल्ली को दिया था, जो कि सबसे ज्यादा छोटा टोटल था आईपीएल साल 2023 में एक इनिंग का। तो उन्होंने कहा कि हम 15-20 रन जो है शॉर्ट रह गए थे इस डिफिकल्ट पिच पे। उन्होंने पिच का भी माना कि पिच थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, क्योंकि बारिश आ गई थी, उसके बाद जो पिच की जो तस्वीर है थोड़ी सी बदल गई थी। तो उन्होंने कहा कि 15-20 रन हम शॉर्ट रह गए थे। साथ ही साथ उन्होंने अपने बॉलर्स की बहुत ज्यादा तारीफ करी कि हमारे बॉलर्स ने दिल्ली कैपिटल को रोकने की कोशिश करी थी, खासकर वरुण चक्रवर्ती और नीतीश राणा भी खुद 2-2 विकेट इन दोनों ने चटकाए। उन्होंने कहा कि अपने हमारे बॉलर्स बहुत ज्यादा अच्छे थे, जिन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को अंत तक रोकने की कोशिश करी थी, क्योंकि ये मैच ऐसा नहीं था कि दिल्ली ने 16वें ओवर में या 18वें ओवर में जीत लिया हो, ये मैच दिल्ली ने 20 ओवर में ही जीता है। तो उन्होंने कहा कि हमारे बॉलर्स ने अच्छा खासा दमखम लगाया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि दिल्ली कैपिटल्स ने पावर प्ले में अच्छी खासी बल्लेबाजी करी, डेविड वार्नर ने बहुत तगड़ा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया और वो मैच उन्होंने पावर प्ले में ही जीत लिया था। वो तो उसके बाद धड़ाधड़ विकेट गिरते रहे, इसलिए हमें थोड़ा सा और समय मिल गया, लेकिन हमारे बॉलर्स चाह रहे थे कि मैच को जितना हो सके उतना स्ट्रेच करो और लास्ट ओवर तक लेके जाओ, ताकि नेट रन रेट का फायदा दिल्ली कैपिटल्स को ना मिले। साथ ही साथ नीतीश ने कहा कि मैं इस चीज की जिम्मेदारी लेता हूं कि मुझे खड़े रहना चाहिए था, 15-20 रन शॉर्ट रह गए, क्योंकि नीतीश राणा ने बहुत ही ज़्यादा एवरेज बल्लेबाजी करी, 3-4 रन बनाकर आउट हो गए। तो उन्होंने कहा कि मुझे खड़े रहना चाहिए था इस सिचुएशन में, मैं जल्दी आउट हो गया, इसलिए मैं पूरी हार की जिम्मेदारी लेता हूँ, जो कि एक बहुत अच्छे कप्तान की एक निशानी है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आगे जो आने वाले गेम्स हैं हम लोग फाइट बैक करेंगे, और जिस तरीके से आज हमारी बॉलिंग यूनिट ने परफॉर्म करा है, अगर आगे भी ऐसी परफॉर्म करते रहेगी तो डेफिनेटली हम लोग आगे जीतेंगे और एक गुड फाइट आगे आने वाली टीम्स को देंगे। तो ये कुछ कहा नीतीश राणा ने, अपनी गलती मानी और खुद को हार का जिम्मेदार बताया, किसी पर ठीकरा नहीं फोड़ा, जो कि एक अच्छे खासे कप्तान की निशानी है। अब कमेंट्स करके अपनी राय बताइए और बताइए दिल्ली को फाइनली 5 हार के बाद एक जीत हासिल हुई, इस पर आपका क्या कमेंट है, क्या राय है, जरूर हमें बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया।